सर ये OSI का इजलास होने जा रहा है, तमाम सलामी जो सरबराहान हैं वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में को पाकिस्तान के अंदर को बेहतरी की तरफ इस इजलास में को असरात मरतब होंगे कि या पहले वाले जो सिस्टम है वो चलता रहेगा? OSI के बारे में हम माजी में बहुत कुछ आर्टिकल भी लिखते रहे हैं, आज भी हमने इसको कभी मुर्दा घोड़े करार दिया कि ये सारे हुक्मरान बैठते हैं, खाते पीते हैं, कश्मीर उसी तरह ही मकरूज रहता है, खून बहता है, फलस्तीन उसी तरह जख्मी रहता है और इजलास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम तहसीन करते हैं कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है OSI की, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इन्हें अच्छा सोचने की तौफीक दे और पाकिस्तान आने पर ये कोई अच्छा फैसला करे। हम इसकी मुखालफत नहीं करते, और जिन लोगों ने धमकियां दी कि हम नहीं होने देंगे इजलास, हम उनकी मुजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक शरफ है और हमारी दुआ है कि अल्लाह इस इजलास में पाकिस्तान को इज्जत दे और कामयाबी अता फरमाए।